उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि ऊर्जा का हमारे जीवन में अहम महत्व है। ऊर्जा के संसाधनों का समुचित प्रयोग करके बिजली बचत के साथ साथ पैसे की भी बचत कर सकते हैं। इसलिए हमें सरकारी कार्यालय के साथ साथ अपने घरों में भी सौर आधारित ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। उपायुक्त स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित एक दिवसीय अक्षय ऊर्जा सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। दैनिक जीवन में अक्षय ऊर्जा के महत्व पर आधारित इस सेमिनार में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा बोर्ड, निगम, बैंकर्स एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऊर्जा के संसाधनों के स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऊर्जा संसाधन हमें आयात करने पड़ते हैं, इसलिए हमें सौर ऊर्जा पर आधारित संसाधनों को अक्षय करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा दिवस के उपलक्ष्य में अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा एक सेमिनार आयोजित की गई है। इसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि हम ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह ऊर्जा को हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर के माध्यम से नए नए उपकरणों का हम प्रयोग करें, जिससे कि काफ़ी हद तक हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा है कि जो हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, उनमें सोलर उपकरण या सौर ऊर्जा से प्रचालित उपकरणों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकें और जब बिजली ना आए उस वक्त भी हम बिजली का प्रयोग कर सकें सोलर ऊर्जा के माध्यम से। यानी कि ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा में आजकल जो वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है और कैसे हम अपनी जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है उनको अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण के द्वारा पूरा कर सकते हैं। इसमें अक्षय ऊर्जा में जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो हमारा सोलर एनर्जी है और यहाँ पर आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनको बताया गया कि सौर ऊर्जा के द्वारा वे अपने कार्यालय को, अपने घरों को और जो लोग हैं उनके घरों को वो किस प्रकार से उसको सोलर एनर्जी से पूरा उस डिमांड को कर सकते हैं।